بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصالحين صريخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فضل نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضاعف الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب المغارب السكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي المضطربي الأردني البدقي الطامي الغيازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد المعصومين المنتدبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وحاسب عقوقهم وقدرتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين और बेदियों से ये फरमा दीजिए कि मेरी नमाजें हैं मेरी इबादतें मेरी मनासिक मेरी जिंदगी मेरी मौत ये सब अल्लाह के लिए मेरे वजूद का असल मरकज परवरदिगार आलम है वो जात जो वहदतुल्ला शरीक है और मैं इस अमर के उसी की तरफ से मामूर हूँ उसके सामने सर तस्लीम खम करने वालों में सबसे पहली फर्द है अज़ीज़ान मुहतरम ईसाए करीमा के ज़ैल में गुफ्तगू चल रही है कानून मरकज़ियत और इस्लाम कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि तौहीद इस्लाम की तालीमात में इस्लाम के मरकजी उसूलों में से उस अहम तरीन असल का नाम है जिसमें मरकजियत के सारे पहलू और सारे उमाना सिमटे और परवरदिगार आलम ये चाहता है कि जिस तरह कायनात की तमाम मखलूकात इस मरकज तौहीद से वाबस्ता हैं उसी सूरत से इंसान जो अशरफ मखलूक है वो भी इसी मरकज तौहीद से वाबस्ता है कायनात की जितनी भी चीजें हैं परवरदिगार आलम ने जितनी भी चीजों को वजूद अदा किया है हर चीज खाद न खा इस मरकज तौहीद से वाबस्ता है कुरान में आप मुलाहिदा फरमाएं ये इरशाद किस लिए कि तुम इनकी तस्बीहों को समझते नहीं लेकिन कायनात का जर्रा जर्रा हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह को तलीन करता तो ये उनकी मरकज तौहीद से वाबस्तगी की दलील मालिक ये चाहता है कि इंसान जो अशरफ मखलूक है वो भी इसी मरकज से वाबस्ता है क्यों इसलिए कि इंसान की बका
इंसान की जिंदगी, इंसान की फलाह, इंसान की नजात, इंसान की तमाम सआदतें, इंसान की तमाम कामयाबियां, इन सब का दारोमदार मरकज़े तौहीद से वाबस्तगी है। आप जानते हैं कि आज ये दौर नई नई इजादात का है। दुनिया में कितनी कंपनियां और फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो तरह तरह की इंसानी जरूरतों की चीजें बना बना के बाजार में सप्लाई करती हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो बाजार में आते हैं, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखते हो और या फिर मखसूस इस्तेमाल के हो, ये सब के साथ बाजार में आते हैं तो अपने साथ साथ एक वारंटी और एक गारंटी भी लेके आते हैं। अब जो ये वारंटी और ये गारंटी कौन देता है? इस्तेमाल करने वाले देते हैं, फरोख्त करने वाले देते हैं, सप्लाई करने वाले देते हैं, कौन देता है वारंटी और गारंटी? वो कंपनी देती है जिसने उस प्रोडक्ट को वजूद अदा किया है, जो उस प्रोडक्ट को आलम वजूद में लाई है, आलम इख्तिरा में लाई है, जिसने उसे बनाया है वो उसे वारंटी और गारंटी देती है। तो अजीजान मोहतरम, मामूली सा प्रोडक्ट उसका भी एक मरकज होता है और वो उस मरकज से वाबस्ता रहता है, उस मरकज से उसे जमानत मिलती है जिंदगी की, उस मरकज से उसे जमानत मिलती है खराब हो जाने पर इस्लाम की तवज्जो, यानी उस प्रोडक्ट की हयात भी उस मरकज से वाबस्ता है और उसकी इस्लाम भी उसी मरकज से वाबस्ता है। पर ना हमारे कहने से खुदा हुआ है और ना हमारे चुप रह जाने से
खुदाई से बाहर हो जाएगा। तब चुप, खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा, बेनियाज है। और इसी बेनियाजी का पहलू उसने उन बंदों क्या रखा है जो उससे वाबस्ता है, जो उससे वाबस्ता उनके में रखा है। चुनाचे पैगंबर को देखिए, जिस तरह हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहे ना कहे वो खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा, उसी सूरत से हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे ना कहे पैगंबर अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल रहेंगे। और जो पहलू
भी कि नूर को नूर ही पहचानता है, रोशनी कर के वस्तु को रोशनी ही मालूम कर सकती है, मादा ही महसूस कर सकती है। आप कितने हैं जी लॉर्ड के बाद की जवाब आज कह रहा हूं, आज के दौर में ये बात कर रहा हूं, जब साइंस भी इस नतीजे पहुंच चुकी है कि हर चीज का एक वजन होता है, रोशनी की अपना एक वजन रखती है और तारीखी भी अपना एक वजन रखती है। ये बात पहले इंसानों के दिल में थी कि यार एक किरण उसका भी कोई वेट होता होगा, अंधेरा उसका भी कोई वेट होता होगा। साइंस आज तरक्की करते करते इस मरहले में पहुंची है, तब उसको पता चला है कि रोशनी का भी एक वजन होता है, तारीखी का एक वजन होता है, लेकिन हमारे लाखों लाख सलाम हमारे इनमें मासूम है। आज से 1400 साल पहले हमारे चौथे इमाम ने सहीफा कामिला दुआओं की, सहीफा कामिला की दुआओं के पैराए में कैसे कैसे इल्मी और साइंसी रमूज और असरार और हकायक को हमारी हमें तालीम कर दिए। देखने वाले देख रहे हैं कि बस एक बंदा ये खुदा है जो मुसल्ले पे बैठे थे बैठा हुआ अपने महबूब से राजो न्याज कर रहा है, लेकिन ये राजो न्याज जिसमें जिंदगी के हकाय को मारे तारीफ की जा रहे हैं। चुनाचे ईमान की दुआ उठा के पढ़ें, उसी दुआ में ये फिर रहे हैं, आए वो जात के जो रोशनी के वजन को जानती है और आए वो जात के जो तारीखी के वजन को जानती है। इनकी समझ में आज ये बात आई, हमने पहले ही बता दिया था। तो जब तारीखी की वजन रखती है रोशनी की वजन रखती है तो उसके बाद वो कैसे पता चला है, वजन पता चलाना है तार किसी साहब से दिन का वक्त हो जब धूप निकली हुई हो तो कहीं जाओ भैया जरा धूप में एक घंटे के लिए खड़े रहो और एक घंटे के बाद आना तो बताना कि सूरज की एक किरण कितनी वजनी होती है। वो शब्द जाएगा एक घंटे के दिन भर में कहा रहेगा और कितने ही बड़े तमोगोश का मालिक क्यों ना होगा। जब वापस आएगा तो यकीन कीजिए कि वो सूरज की एक किरण का भी वजन नहीं बता सकता। हमने पूरे दिन खड़े रहकर अपना हाथ धूप में आसमान की तरफ बना रखा, लेकिन इसमें कोई वजन नहीं महसूस होता। वजन आप कैसे पता चलाते हैं, अगर तराजू ना हो तो आप इन्हीं हाथों से तो तोलते हैं, वजन का अंदाजा लगाते हैं कितनी वजनी है कितनी वजनी नहीं। तो आप हम निर्भर कर रहे हैं एक बार सूरज की एक किरण का वजन पता चला। आपने अपने हाथों के जरिए से सूरज की किरण का वजन बताना चला पता चलाना चाहा था, जाइए वापस जाइए फिर तो मैं वापस जाइए और अब अपने हाथों को सूरज के मुकाबले में लाइए बल्कि अपनी आंखों को सूरज के मुकाबले में लाइए, अपनी आंखों को सूरज के मुकाबले में लाइए। जैसे ही आप आंखों को सूरज के मुकाबले में लाएंगे बल्कि फौरन चमक जाएंगे, बल्कि फौरन चमक जाएंगे, अब वजन पता चलेगा। क्यों? इसलिए कि सूरज में भी है नूर और आंखों में भी है नूर। समझो, सूरज में भी है रोशनी आंखों में भी है रोशनी, उधर भी नूर इधर भी नूर। सूरज में जो नूर है वो नूर है कभी और आंखों में जो नूर है वो है नूर ज़ईफ। चुनांचे जब नूर है कभी की छूट नूर ज़ईफ पे पड़ेगी तो उसके वजन से पलके झपकेगी, उसके वजन से पलके झपकेगी तो हाथ नहीं पता चला सका, इसलिए कि मादी था। आंखों को वजन पता चल गया इसलिए कि नूरानी थी। यह हकीकत है कि नूर के वजन को बस नूर पहचानता है, नूर के वजन को बस नूर समझ सकता है। अब समझिए पैगंबर ने क्यों कहा था कि अल्लाह को किसी नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अली के, मुझे किसी नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह के और अली के, और अली को किसी नहीं पहचाना सिवाय अल्लाह को और मेरे। इसलिए कि अल्लाह हुदूद समावाते वला अना अव्वल मा खलकल्लाहु नूरी अना मालिकुम मिन नूरी वाहिद, अल्लाह की नूर पैगंबर की नूर अली की नूर और नूर खुसूसी इंतजामात किए। जाहिर है कि
इनका पूरा वजूद इंसान की भलाई के लिए, इंसान की बका के लिए, इंसान की नजात के लिए। जिंदगी भी नहीं फिर हिदायत भी चला बाकी मैं स्मार्ट होऊंगा कि परवरदिगार आलम ने इन्हें भी मदद बुलाया है, इन्हें भी मदद बनाया है। और ये किस किस एतबार से गुफ्तगू निशानाबाद की मैंने सुना है कि तो अजीजान मोहतरम इन्होंने खुसूसी तवज्जो रखी है इस मसले पर कि कायनात और इस मरकज की नशो इशात, इस मरकज के तहफ्फुज़, इस मरकज के दिफा, इस मरकज की बका के सिलसिले में उन्होंने हर तरह की मेहनत मशक्कत जानफिशानी के साथ साथ कुर्बानियां दी और कभी इस मसले में किसी से समझौता नहीं किया। ये तमीर अब मैं आपके जहनों को जमा करना चाहता था। अजीजान मोहतरम चुनांचे इनकी जिंदगी का कुल हमो हम यह था, इनकी जिंदगी का कुल मकसद यह था कि लोग मरकज़े तौहीद की तरफ आए। तौहीद से करीब करना इनका मकसद था, तौहीद से दूर करना इनका मकसद नहीं था, तौहीद से दूर करना इनका मकसद नहीं था। और अज़ीज़ान मोहतरम जो लोग भी अहले बैत को अल्लाह से अलग करके समझना चाहते हैं, जो विलायत को तौहीद से अलग करके समझना चाहते हैं, जो नबूवत और रिसालत को विलायत से अलग करके समझना चाहते हैं, अज़ीज़ान मोहतरम वो मिक्सचर ऑफ अपोजिट है। न उन्होंने दीन को समझा है, न मजहब को समझा है, न तौहीद को समझा है, न विलायत को समझा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्लाह कायदुल्ला शरीफ पैगंबर मौलाए कायनात अइम्मा ताहिरीन ये पूरा दीन तूल में पाया जाता है, आरस में नहीं है। तूल आरस में दस मिलते हैं, एक चीज है लंबाम और एक चीज है चौड़ा, यानी अल्लाह भी है उसके बगल में पैगंबर भी खड़े हैं, दूसरी तरफ अली भी खड़े हुए। नहीं ये अर्ज नहीं है, ये अर्ज है चौहान चौहान, यानी ये अल्लाह को ले लो या अली को ले लो या पैगंबर को ले लो, तवज्जो ऐसा नहीं है। लम्मा है अल्लाह मरकज़ी आफ, अल्लाह हदफ़ी असली, उससे पहले पैगंबर, उससे पहले अली, यानी शुरू करना है अली से, अली को साथ दो पैगंबर तक, पैगंबर को साथ लो अल्लाह तक। चुनांचे अल्लाह ना पैगंबर से जुदा है, ना पैगंबर अली से जुदा है। जो लोग अली को पैगंबर के मुकाबले में लाते हो या पैगंबर और अली को अल्लाह के मुकाबले में लाते हो, समझिए कि उन्होंने इस्लाम को समझा है, मजहब को तालीम है। ये भी अहले बैत की तालीम है। आप कुरान पढ़े, एक जगह
लिखा उसने जनाब मूसा और फिरौन का वाक्य बना दिया, बयान कर दिया, काफी नहीं था। एक जगह उसने मूसा और फिरौन का वाक्य बयान कर दिया, काफी था। लेकिन पूरे कुरान में कितनी जगहों पे जनाब मूसा और जनाब फिरौन का, जनाब मूसा और फिरौन का वाक्य बयान हुआ है? कितनी जगहों पे बयान हुआ है? अजीना ने मुकराम या तो ये कहिए कि कुरान में इजाफे हैं, इस बात है कि जब एक मतलब एक बात हो गई तो दूसरी मतलब फिर वो आए, उसका कोई मफहूम होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। जब ये तय है कि कुरान में एक शेर, एक सबक, एक पेश वो भी इजाफी नहीं, तो जितनी जगहों पर उसने मूसा और फिरौन का वाक्य बयान किया है, मानिए कि उसकी जरूरत थी तब बयान किया है। जो बयान किया है इतनी मरतबा, इतनी कसरत से, कि मैंने इस वाक्य की मिसाल इसलिए पेश की कि सबसे ज्यादा यही वाक्य जो कुरान में सबसे ज्यादा इसी की तकरार हुई, इसी को रिपीट किया कुरान ने। तो मानिए कि कुरान हमेशा मकसद को सामने रखता है, जिस अहम तरीन मकसद के तहत जनाब मूसा और फिरौन के बातों को बयान किया जा रहा है, जब तक वो बात एक दिनों तक पहुंच न जाए, दिनों की गहराई को उतर न जाए, उसको तो काटते रहे। ज्यादा ये जुमले मैंने जो तकरार किए हैं, इसलिए तकरार किए हैं कि बात दिनों तक पहुंचे, कि हम जब अली कहते हैं तो ये वो अली नहीं है जो अल्लाह से है, और जब हम अल्लाह कहते हैं तो ये वो अल्लाह नहीं है कि जिसके साथ अली हो, तवज्जो नहीं, तौहीद रिसालत के साथ, और तौहीद और रिसालत इमाम को बिलाया, ये है असल मतलब, ये है मतलब तौहीद, और इसी मतलब तौहीद की तबलीग और नशर और इशारे के सिलसिले में इन्होंने कुर्बानियां दी। चुनांचे कहीं पे भी किसी को मिसगाइड होने का मौका नहीं मिला। आप देखें कि अहिमा और मासूमी जब जरूरत पड़ती थी तो मुझे दिखाते थे, नहीं दिखाते कितने मुझे दिखाए, यहाँ तक के मुर्दों को जिंदा भी किया है, मुझे से तारीफ करनी पड़ी थी, लेकिन इधर कोई मुझे दिखाया, फौरन मुसल्ला बिछाया और दुरकत नमाज भी पढ़ी, मौजदा दिखाया ताकि कायनात पर अपने इख्तियार और तसर्रुफ को साबित कर दें, कि तुम्हारी पूरी कायनात में मुझे विलायत काफी है, विलायत से फैक्ट्री हासिल है, मौजदा दिखाया अपने तसर्रुफ की हदों को साबित करने के लिए, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी अपनी बंदगी को साबित करने के लिए। और इस तरह से सो रहे हैं कि कुदरत भी फख्र
कि जाओ जाके अली को मुबारक बात दो। अलबत्ता उससे पहले परवरदिगार आलम ने जिस वक्त फ़ख़्र किया है मौलाए कायनात के इस सोने के अंदाज पे, तो फरिश्तों से ये भी कहा था कि देखो एक भाई अपने भाई पे अपनी जान निसार करके सो रहा है, एक भाई अपने भाई पे जान निसार करके सो रहा है, कुर्बानी की कितनी बड़ी मंजिल है। तुम्हें कोई ऐसा कि जो अपनी जान अपने भाई पे कुर्बान कर दे? तमाम फरिश्तों ने हाथ जोड़ के कहा कि पालने वाले तूने जो जिंदगी जो हयात हमें दी है जितनी भी हो हम यही चाहेंगे कि तेरी इबादत में बसा, तेरी बंदगी में बसा। फरिश्ते अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए, अपनी जिंदगी एक दूसरे को बख्शने के लिए तैयार न हुए। अच्छा अगर तुम्हें ये जवाब नहीं पाया जाता तो जाओ और जाके अली को मुबारक बात दो। एक भाई जो अपने भाई के ऊपर अपनी जान कुर्बान करके सो रहा है, फरिश्ते आएंगे और आने के बाद उस बलन का तवाफ किया जिस पे अली सो रहे। तवाफ करने के बाद ये जुमले सलाम से अदा किए, बख्शिन बख्शिन लगा जब ना की तौली, मुबारक हो ऐ अबू तालिब के लाल, आपका ये सोना कितना अजीम है कि कुदरत इस सोने में फख्र कर रही है। फख्र महसूस किया, कितने बड़े बड़े इबादत गुजार हैं से कि उनकी इबादत भी इस लायक नहीं कि परवरदिगार आलम उसे मुंह लगाए, और अली का सोना भी ऐसा है कि कुदरत पे फख्र करती है। कभी किसी मुनकर तौहीद को अली ने बच के जाने का मौका ही नहीं दिया।
अली ने माफ किया ही नहीं। मैंने मिसाल पेश की दिक्कत नुसैरी की, नुसैरी खुदाई को कह रहा अली ने कहा अच्छा जाएगा जा तुझे छोड़ दिया नहीं जला दिया उसको किसी भी मुनकर मुनकर तौहीद चाहे वो अमर इब्न अब्दुल की शक्ल में सामने आया, मरहर की शक्ल में सामने आया, अंदर की शक्ल में सामने आया, किसी भी शक्ल में मुनकर तौहीद सामने आया, अली ने उसे कभी माफ नहीं किया, उसे कभी बख्शा नहीं। और अज़ीज़ान मोहतरम यही वो वजह थी कि जो लोगों के दिलों में अली की दुश्मनी का सबब बनी थी, अली की अदावत का सबब बनी थी, इसलिए कि अली ने उनके बुजुर्गों को कत्ल किया था, उहद में, खंदक में, खैबर में, तमाम उन मालिकों में जो इस्लाम के खिलाफ सदन हर में पेश आए थे, कहीं भी मुनकरीन तौहीद से अली ने समझौता नहीं किया। और जाहिर बात है कि मामला बराबर का होता है, अली ने मुनकर तौहीद को नहीं बख्शा तो परवरदिगार आलम ने कहा कि मैं मुनकर विलायत को नहीं बख्शूंगा। तुम्हारे दुश्मनों को कभी माफ नहीं कर सकता। चुनांचे अली ने ज़ुल्फ़िकार से मुनकरीन तौहीद को फना के डालूंगा। और गदीर में जब एक आने वाला आया और उसने इनकार विलायत किया तो परवरदिगार आलम ने आसमान से पत्थर भेज के उसका काम तमाम किया। उत्तर आप देखिए पत्थर से उसका क्यों काम तमाम हुआ। बात समझ में आई कि अली ने मौजूद काबा खाने काबा पे जब हमला करने के लिए अब्राहा आया था तो उसके लिए भी तलवार नहीं इस्तेमाल की गई थी, नहीं इस्तेमाल किए गए थे, खंजर भी इस्तेमाल किए गए थे, बल्कि उसके लिए भी पत्थर इस्तेमाल किए थे, बता पत्थर की छोटी छोटी कंकरियां। तो अली को घर को उठाने के लिए अब्राहा आया था तो छोटी छोटी कंकरियां इस्तेमाल मौजूद जाएगा। और फिर कौली तौर पर एक मर्द अरब आया और उसने मौला सवाल किया कि कई फांस बैठा कई भैया कई फांस बैठा या अमीर मोमिन आपने किस आलम में सुबह की। मौला ने सुबह थी इसलिए इल्लत में जाते असबह फअन अव्वल फअन आखिर फअन बाकी फअन जाहिर فانا بكل شيء عليم فانا احيي ولا اميت فانا حي لا اموت جانا چاہتا ہے فانا بس اس پہ تو فانا رسیو ہے یہ بھی جملہ جانتا ہے میں نے صبح کی اس عالم میں کہ میں خیر بشر کا بسی और इसके बाद फाना अव्वल फाना आखिर मैं ही अव्वल मैं ही आखिर फाना बाकी फाना जाहिर मैं ही बाकी मैं ही जाहिर फाना बिल्कुल निशान नहीं और मैं तमाम चीजों का इल्म रखने वाला फाना रोही मोमी मैं ही मारने वाला मैं ही जिंदा करने वाला फाना हयू ला यमूत मैं खुद ऐसा जिंदा जिससे कभी मौत नहीं। अब उसने सोचा ये तो सिफात वो है जो परवरदिगार आलम के लिए है, अली अपने लिए बयान कर रहे। जैसे ही उसके जहन में शुभा पैदा हुआ इसलिए कि वाली की मारिफत नहीं रखता था। अज़ीज़ान मोहतरम इस तरह के जुमलों और इस तरह के खुतबों को पढ़ने के बाद वही लोग गुमराह होते हैं तो इतनी मसले में जिनको वाली की मारिफत नहीं है, जो अली को पहचानते नहीं, अली के पैगाम को पहचानते नहीं, अली के मिशन को पहचानते नहीं, वही गुमराह होते हैं। मौला ने अपने कलाम पर से इमाम के पर्दे को हटाया और बताया कि पहचान ले मैंने पहले इमाम मसीह को खैर बशर। इसके बावजूद वो शक कर रहा है अनाकबल का मतलब यह है कि मैं इस्लाम लाने वालों में सबसे साबित हूं, उससे पहले कोई इस्लाम नहीं लाया है। इस्लाम बता ही जाहिर इस्लामी बात हो रही, इस्लाम लाने वालों में मैं सबसे साबित हूं, उससे पहले कोई इस्लाम नहीं लाया। वह अनल आखिर और मैं ही आखिर हूं, मतलब ये कि
पैगंबर जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे तो पैगंबर की ज़ियारत करने वालों में सबसे आखिरी फर्द मैं हूँ, अपने पैगंबर से सबसे बाद में मैं बाहर आया हूँ, मेरे बाद पैगंबर की किसी ने ज़ियारत नहीं। और उसके बाद जाना जाता है अहल बातिन और अहल ज़ाहिर, मतलब ये अहल बातिन मेरा बातिन उलूम मआरिफ से मालूम है, वाना ज़ाहिर मैंने इस्लाम धमके की चोट में कबूल किया है, किसी से छुप के नहीं कबूल किया है, वाना मैं कुल शैयालीन परवरदिगार आलम ने मुझे अपने इल्म का मरकज बनाया है, मैं किसी भी सवाल के जवाब में नादरी नहीं कहता, मैं किसी भी सवाल के जवाब में कभी आजिज नहीं होता, और उसके बाद करना होगी मैं जिंदा करने वाला हूं, जानता है मैं इस्लाम का मरकज़े तौहीद का हक का जिंदा करने वाला हूं, और ना होगी मैं कुफ्र और बिदअत और निफाक का कत्ल करने वाला हूं, उन्हें फना करने वाला हूं, अल्लाह कुल्ला यहूद मैं शहीद का है खुदा हूं जो जाने शहादत की रिवा पर पानी जिंदा रहता है, सलाम करे बाबा अल्लाह बारे में मासूम थे कि मासूम नहीं थे।
عزیزان محترم جو اردو بھی ایک لاحاصل ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ معصوم کی تعریف کیا ہے؟ معصوم کی تعریف اس پر ایک مسئلہ ہے اللہ کی طرف سے آتا ہوں. علم و یقین و معرفت کی وہ عظیم ترین بلندیاں جس کے بعد انسان اپنے آپ کو اپنے ارادہ و اختیار سے گناہوں سے دور رکھے, معصیت سے حکم خدا کی مخالفت سے کہ اس مت بھی رجا سکے. اگر صرف اتنے ہی پہلو کو دیکھیں گے, کائنات کی تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا مخالف بھی ہو, اگر ترین لفظش جناب عباس کے سلسلے میں دکھائے, اگر ترین لفظش تو مانا کے اعتبار سے یہ وہ افراد ہیں کہ عصمت ہے, ان پر اطلاق بھی ہوتا ہے, لیکن ہم معصوم کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اصطلاحا معصومین انہیں کو کہا جاتا ہے جن کے لیے نص والی, اس لیے ان کے لیے کہ الگ سے لفظ علماء نے ہمارے حوالے کیے, وہ الگ سے محفوظ, محفوظ عن الخطا, گناہوں سے محفوظ, گناہوں سے محفوظ, یعنی ان کے یہاں کسی طرح کی لفظش کا کوئی تصور نہیں. جناب زینب اصطلاحا معصومہ نہیں تھی مگر محفوظ عن الخطا تھی, جناب علی اکبر اصطلاحا معصوم نہیں تھے مگر محفوظ عن الخطا تھے, جناب عباس اصطلاحا معصوم نہیں تھے مگر محفوظ عن الخطا تھے. اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ علی کا خون ہے یہ سب بات, اور جناب عباس کی عظمت یہ ہے کہ جناب عباس کی پرورش تین معصوموں کے زیر سایہ ہوئی ہے, مولا کائنات امام حسن اور امام حسین, امام حسن اور امام حسین تین معصوموں سے استفادہ کیا. چنانچہ کربلا میں جناب عباس کی وہی حیثیت ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں مولا کائنات کی حیثیت ہے. یہ بات صرف ذاکری نہیں خطابت نہیں ہے بلکہ حقیقت حال ہے. عزیزان محترم, پیغمبر کی زندگی میں مولا کائنات کو کون کون سے منصب عطا ہوئے تھے, جو اہم ترین منصب ملے تھے, ان میں سے ایک منصب علمداری کا منصب تھا. جب بھی کوئی جنگ ہوئی پیغمبر نے اپنی فوج کا سپہ سالار مولا کائنات کو بنایا, اسلام کا علم علی کے ہاتھ میں دیا گیا, علم اس کو دیا جاتا ہے, علم اسے دیا جاتا ہے جس کے کردار کے ساتھ ساتھ, جس کے عقیدے کے ساتھ ساتھ, جس کی شجاعت پہ, جس کی دلیری پہ, جس کی بہادری پہ, جس کے دماغ پہ, جس کے ذہن پہ مکمل اعتماد اور اعتبار. مولا کائنات اندھا ہوا کرتے رہے, اب کربلا میں حسین ہے رسول اللہ کی جگہ پہ تو علی کی جگہ پہ اگر کوئی ہے تو وہ عباس, عباس علی کی جگہ پہ. اور مولا کائنات کو جو دوسرا منصب مولا کائنات پیغمبر کی طرف سے عطا ہوتا, وہ منصب منصب سقائی, جس وقت مکے میں دنیا بھر سے حاجی آتے تھے تو بنی ہاشم انہیں یوم الترقیہ جسے کہتے ہیں مخصوص بولے, جب حاجیوں کو پانی سے سیراب کیا جاتا تھا اور وہ اپنے ساتھ مشکوں چھاگنے بھر بھر کے منا اور عرفہ جاتے تھے, کوئی پیاسا نہ تھا. سقائی کا فریضہ بھی پیغمبر علی کے سپرد کیا کرتے, چنانچہ کربلا میں حسین نے بھی سقائی کا فریضہ اگر کسی کے ذمے کیا تو وہ عباس نے. جناب عباس کی عظمت اور فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب عباس ایسے شجاع تھے, ایسے بہادر تھے. عزیزان محترم, یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ وہ عباس جس کی رگوں میں علی کا خون ہو اور جو جناب ام البنین کے بطن سے پیدا ہوا ہو, وہ ام البنین جو ایک بہادر قبیلے کی خاتون, جناب عباس کے لیے تلوار چلانا بہادری کا مظاہرہ کرنا, ہزاروں کے لشکر کو تحریک کر دینا, فوج کو تبارا کر دینا, یہ کمال کی بات نہیں ہے بلکہ اصل بہادری کا کمال وہ ہے جس کا مظاہرہ عباس نے کربلا کیا. وہ مظاہرہ کیا ہے عزیزان محترم؟ بازو کی مشیاں کہہ رہی ہیں عباس اے حسین کے قاضی بڑھ کر حملہ کرو, بڑھ کر حملہ کرو, فوج کا کام تمام کرو.
लेकिन हुक्म इमाम कह रहा है खबरदार मेरे हाजी कब्जे दरबार के हाथ हो जाए और इसका यकीन जनाब अब्बास को कब हो गया? चार मुहर्रम हराम जब शिवर ने फुरात के किनारे से इमाम के खैमे हटाए जाने का मुलाकात किया। इससे पहले जो मंजिलें थी कई मौके पर जनाब अब्बास को इमाम ने रोका और यह कह के रोका कि भैया अब्बास तुम्हें करबला के लिए आज आठ मुहर्रम है हुसैन के उसी गाजी का तज़किरा करना है और मातम लीजिए चिराग दूर हो चुके हैं बच्चन का इमाम Bye.
और वो वाकया आपकी मादर गिरामी से आपकी नजर बुजुर्ग मौलाए कायनात की आंख का है। पूरा वाकया बयान किया कि उन्होंने एक दिन जनाब अकील से कहा कि भैया जी हमें किसी शजाअत बहादुर तबीले की खातून के बारे में बताइए जिससे मैं आंख करूं और उससे वो बच्चा पैदा हो जो घर में मेरे हुसैन के बराबर। आगे बढ़ते
चारों तरफ से तीरों की बारिश की जाए। अब यहां से मैं मसाइल जलाल अब्बास की जबान से बयान कर रहा हूं, हमारे उलमा में से एक जिनका नाम है सैयद अब्दुल रज्जाक मुसवी मुकर्रम, उन्होंने मख्तार हुसैन भी लिखा है और जनाब अब्बास के हालात के सिलसिले में खुसूसी एक किताब अलग से तहरीर फरमाई है। चुनांचे उसी किताब में यह वाकया दर्ज है कि किसी जमाने में करबला में उस जमाने में एक मर्चा हुआ करते थे जिनका नाम था सैयद इब्राहिम तकफीरी। हालांकि जनाब अब्बास में मजलिस हो रही थी, जनाब अब्बास इब्राहिम तकफीरी मजलिस में मौजूद थे, जाकिर मिंबर पे गया और उसने जनाब अब्बास के मसाइल पढ़े और जनाब अब्बास के मसाइल में आंखों में तीर लगने का वाकया हुआ। जब अपने घर वापस आए रात का